दोस्तों हमारी ग्रीन ठंड एक्सप्रेस आ चुकी है और प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। चलिए दोस्तों हम लोग प्रयागराज से चलने के बाद हम आ चुके हैं भदोही अपनी डेस्टिनेशन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज के एक नया ब्लॉग लेके आ चुके हैं, एक नया दिन एक नई शुरुआत। अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम आ चुके हैं प्रयाग जंक्शन। आज की जर्नी होने वाली है बुंदेलखंड एक्सप्रेस में, जो कि हफ्ते में सातों दिन चलती है। हम प्रयागराज से प्रयाग जंक्शन से बोर्ड करने वाले हैं। हमारी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और चलिए इस ट्रेन में भी कवर करते हैं। हमारी वीडियो जो होने वाली है भदोही तक, बहुत ही शॉर्ट जर्नी होने वाली वीडियो, मज़ा आने वाला है। हम आ चुके हैं प्रयागराज, जो कि इसका पुराना नाम इलाहाबाद हुआ करता था। और चलिए बोर्ड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या होने वाला है। तो शायद मैं आगे आ गया, हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना है। हमारी ट्रेन अभी प्रयाग। दोस्तों जिस ट्रेन में आज मैं जर्नी करने वाला हूँ, उस ट्रेन की जानकारी देते हैं। हमारी बुंदेलखंड एक्सप्रेस, जो कि ग्वालियर से चल के बनारस के बीच में हफ्ते के सातों दिन चलती है। मैं बोर्ड करूँगा प्रयाग जंक्शन से। अभी प्रयाग जंक्शन पे मैं आ चुका हूँ। हमारी ट्रेन अभी प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे अभी है, प्रयागराज जंक्शन, जो कि वहाँ का मेन रेलवे स्टेशन है। और पहले इसका नाम हुआ गया था इलाहाबाद। हम प्रयाग जंक्शन से बोर्ड करेंगे और फिर हमारी जर्नी भदोही तक होने वाली। बीच में जो भी स्टेशन छोटे बड़े आएंगे, सबको कवर करने वाले हैं। और सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है जर्नी करने में, मज़ा आएगा। और कड़ाके की धूप पड़ रही है। फाइनली दोस्तों हमारी बुंदेलखंड एक्सप्रेस आ चुकी है और प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। 15 मिनट डिले है और हम चलते बोर्ड करते हैं और फिर आगे डेस्टिनेशन करते हैं। D2 में हम सफ़र करने वाले हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस चल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो 30 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हम आ चुके हैं फूलपुर रेलवे स्टेशन, जो कि इलाहाबाद ज़िले में पड़ता है। यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म है और बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं मीटर गेज की प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। हमारी ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है, यहाँ पे इसका 1 मिनट का स्टॉप है। चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं।
प्रयागराज से चलने के बाद हम आ चुके हैं जंघई रेलवे स्टेशन, जो इसका थर्ड हॉल्ट है, हमारा थर्ड हॉल्ट है। और हम यहाँ पहुँचे हैं ऑन द टाइम, और इसका यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज है। और ये जंक्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से लाइन जाती है एक जौनपुर जंक्शन, और दूसरी जो लाइन जाती है प्रतापगढ़, और जो हम सामने जा रहे हैं बनारस। और हमारा अब नेक्स्ट हॉल्ट होना है भदोही। अब आपसे मिलेंगे सीधा भदोही में। और जंघई काफ़ी छोटा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स है। जे इसका स्टेशन पर है JNH। किलोमीटर जर्नी करने के बाद हम आ चुके हैं सिरवां रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन SWN। और यहाँ हम पहुँचे ऑन द टाइम। और बुंदेलखंड की बात करें तो अभी इसका नेक्स्ट होल्ड होना है भदोही, फिर इसका बनारस। हमारी जो जर्नी होगी भदोही तक, और चलिए ट्रेन में अंदर चलते हैं। इसका यहाँ 1 मिनट का स्टॉपेज है। और सुरियावां जो पड़ता है हमारा भदोही ज़िले में पड़ता है, और यहाँ से अब 30 किलोमीटर की जर्नी हमारी रह गई भदोही रेलवे दोस्तों। हम लोग प्रयागराज से चलने के बाद हम आ चुके हैं भदोही, अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट। हम बुंदेलखंड में एक्सप्रेस में जर्नी कर रहे थे, और हम पहुंच चुके हैं ऑन द टाइम, जिसका स्टेशन कोड BOI। और हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। और वीडियो का इसलिए आई होप आप सबकी बढ़िया लगी, ऐसी ट्रेन जर्नी लाते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे। और हमारी ट्रेन यहाँ आके लगी चुकी है। अभी टाइम हो रहा है 9:30, बस 10 मिनट लेट है। और चलिए चलते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।